लेकिन पिंकी के साथ ऐसा सुलूक हो यह हमें गवारा नहीं हुआ। यही वो जगह जिसका जिक्र मैंने तुम लोगों से किया। गहने देखे कहने लगा कि चोरी को तो नहीं है। नहीं बाबा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता, जाओ यहाँ से। वो तो फिर रजाक उसके पैरों में गिर गया और हाँ, और मैंने कहा कि माए बाप हम शरीफ आदमी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी भाभी लापता है? आप निरंजन जी बेफजूल उत्तेजित हो रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। देखिए हम अखबार में भी खबर दे रहे हैं। अंकल, ये कितनी अच्छी तस्वीर आई है हमारी। मुझे भी दिखाओ। मेरी फोटो कितनी गंदी आई है। पिंकी बेटा तुम तो यहाँ बिल्कुल बंजर। और आप? हमारी कुछ फोटोस अखबार में भी आई है। ये देखो। क्या बात करता है विनीत, ये तो ऐसे लगता है जैसे चार जानवर जू से बात। रजाक ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये तो हॉस्पिटल वालों ने छुपाई है। हाँ। ये देखो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे चार कैदियों को उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या, हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी जल्द से जल्द। मैंने दो आदमी की बात सुनी थी, वो कह रहे थे कि वो लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। बात बहुत सीरियस हो गई है रजाक, चल यहाँ से। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। यस तुम लोग एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांधो जाओ। क्या? और तुम मेरे फिक्र मत करो, तुम एक जिंदा लाश को कहाँ तक घसीटोगे? मैं अस्पताल वापस नहीं रजाक, अभी हमारे साथ चलेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। बेटा मेरी तस्वीर तो है तुम्हारे पास दिल बहलाने के लिए। माँ की तस्वीर भी तो हमारे लिए काफी नहीं है, माँ को भी हमारे साथ रहना चाहिए था। तो ठीक है बेटा। चल, जिंदगी की बची कुची सांसें तेरे नाम कर देता हूँ। ठीक है, अब बहुत वक्त नहीं हमारे पास, अपना अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, कम ऑन। ठीक है, जल्दी करो। लगता है पिंकी का साथ पाकर बाकी तीनों मरीज आपसी मनमुटाव भूल चुके हैं। अब वो चारों एक परिवार के सदस्य लगते हैं। उन्हें मानो जिंदगी का मकसद मिल गया है, पिंकी को खुश रखने का। संभल के आ, देखो। अच्छा। तुम मेरे साथ साथ ही रहो। हाँ, देखो ध्यान से आ। विनीत, हमने वहां से निकल के अच्छा किया क्या? अरे अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। वो दो आदमी ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए थे। जरा सोचो, अगर ये बात और लोगों में फैल जाती तो हम एक कारखाने से निकल कर दूसरे कारखाने में पहुंच जाते। तो ठीक है, इससे बेहतर है हमें कोई मुनासिब जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। ढूंढनी तो होगी। विनीत अंकल, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, इसकी भूख का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा करते कोई जगह ढूंढ लेते फिर। नहीं नहीं नहीं, मुन्नी को भूख लगी है, पहले हम लोग खाना खाते हैं फिर
जगह तो मिल ही जाएगी, ऊपर वाला है ना, कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो आओ, ध्यान से आ। ये जगह कुछ महसूस लग रही है मुझे। एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। ये ठीक है, और बच्ची को भी नींद आ रही है। इसको यहाँ ये लो सुला दो। मैं भी चल चल के थक गया, थोड़ा आराम कर। थक गया ना, आ जा आ जा आ जा। ये ले, वो देना बैग देना, तो ये दे दो। क्या लग रजाक, तुम ठीक हो विमला? हाँ, आप लोग यहीं सो जाओ, ये ले लो। आज बच्चा मैं सोच रहा हूं कि मैं कितना लकी हूं, मैंने जो चाहा वो पाया है। इस लड़की को मैंने अपने जान से ज्यादा प्यार किया, आज वो मेरी बीवी बन गई है। बस डार्लिंग, कमी है तो सिर्फ एक चीज की। किस चीज की? 10-11 बच्चे हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। 10-11 बच्चे कम है? नहीं नहीं, आई मीन पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करनी है क्या तुम्हें? वैसे आइडिया अच्छा है क्रिकेट टीम का, और हम दोनों एम्पायर बन जाएंगे। एम्पायर? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके 10-11 बच्चे पैदा करते करते मेरी क्या हालत होगी? बूढ़ी हो जाऊंगी मैं, बूढ़ी। अरे यार, 2-4 बच्चों में तुम बूढ़ी हो जाओगी, क्या बात कर रही हो तुम? विनीत, अभी तो तुमने 10-11 कहा। हाँ तो 10-11 बच्चे के लिए मुझे 3-4 शादियां करनी पड़ेंगी। एक बीवी से 4 बच्चे, दूसरी से 4, और तीसरी से 2। यार डाले हनी हनी, अरे प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा, आई एम नॉट सीरियस एट ऑल। मैं भी मजाक कर रही थी। बाकी मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये सुख भरे दिन हमसे छिन नहीं जाए। क्योंकि एक बुजुर्ग की बात याद आती मुझे, तो क्या करते थे कि इंसान को जिंदगी में सुख के बाद दुख मिलता है और दुख के बाद सुख मिलता है। जब चारों तरफ खुशियां हो तो ऐसी बुरी बातें नहीं करते। अच्छा बाबा, नहीं करते। अब जल्दी से हमको खाने के लिए कुछ दो, बहुत भूख लगी है। आज तो खाना बना ही नहीं। क्यों, किस खुशी में? आज करवा चौथ है। करवा चौथ? इसे तुम्हारा क्या लेना देना? क्यों, मैं औरत नहीं हूँ? औरत तो हो, लेकिन जिस टाइप की तुम औरत हो ना, तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी इंटरेस्टेड इन करवा चौथ एंड ऑल। आई डोंट थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड इन करवा चौथ एंड ऑल। क्या सच कह रही हूँ? मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। ओके। दुनिया भले ही 21st सेंचुरी में पहुंच गई हो तो क्या हुआ? मम्मा ने शादी से पहले मुझसे कहा था कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसलिए मैंने ये किया है तुम्हारे लिए। अच्छा भैया, हमको okay? पता भी नहीं कि करवा चौथ क्या होता है। ओके ओके, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, रुको। ओके। पूरी स्टोरी सुनोगे ना? हाँ, तुम अब तो सुना के ही रहोगी, सुनाओ। समझदार हो। ओके, मुझे पूरी नहीं याद लेकिन थोड़ी बहुत याद है। हाँ, बिल्कुल, जितनी भी याद सुना दो। ओके, ये बहुत पुरानी कहानी है जो सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, फिर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को सुनाई थी। ओके, और उस वक्त से औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। इंटरेस्टिंग ना? इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। वो औरतें पति के लिए व्रत नहीं करती हैं, खाना नहीं पकाना चाहती, पति को भूखा रखना चाहती हैं। लेजी फीमेल्स। अब 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में चांद निकलेगा ना। ओके ओके बेबी, 2 घंटे की बात है, हम रुक जाएंगे। तो 2 घंटे बिताने के लिए कुछ बातें बातें करते हैं, कुछ पुराने बीते दिनों की बातें करते हैं। तुम्हें याद है
हम पहली दफा जब मिले थे? बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। 6 महीनों तक चक्कर लगाए थे मेरे घर के आसपास और एक दो दफा तो घर में भी घुस आए थे तुम। और तुम्हारी मम्मी ने एक बार मुझे पकड़ लिया था। हाँ, तुम रूम में घुस गए थे और फिर मम्मा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और पुलिस को फोन कर दिया था। और 2 रात मुझे जेल में गुजारनी पड़ी थी। मम्मा भी तो ठीक ही कहती है। क्या तुम हो ही चोर? तुम मेरे पीछे पड़े थे और उसे लगता था कि मैं उसके पीछे पड़ा। Idiot, she's really stupid, I swear. लेकिन विनीत, if you gotta think about it, तुम और स्वीटी आई थिंक अच्छे लगते साथ में। आई मीन आई थिंक यू ऑल वुड हैव मेड अ गुड पेयर। या अगेन ही हैव स्टार्टेड। ओके सॉरी नाराज मत हो। आई एम सॉरी प्लीज माफ कर दो। अच्छा माफ कर दिया मुझे, लेकिन एक शर्त पर माफ करेंगे। सुनने से पहले ही मंजूर कर दिया? भरोसा है तुम पर? शर्त सुना है। शर्त ये है कि आज शाम का खाना जिससे तुम करवा चौथ का व्रत तोड़ोगी वो मैं पकाऊंगा। तुम? नहीं नहीं, that's okay, देखो। अरे, I'm a fairly good cook. You're doubting my capability? Yes. No, क्या yes? No, I'm not doubting your capability. देखो, मैं अच्छे भाव से बोल रही हूँ। क्या है कि ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम मेरे पति हो, तो नहीं तो आज के दिन तो एटलीस्ट तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ यार। नहीं, please, I'll cook. I don't believe it. Have with me. क्या खाना है बोलो? तुम्हें क्या आता है? सब कुछ आता है। Example, अंडे की भुर्जी और बॉइल्ड लेग्स, ऑमलेट विद और विदाउट अनियन, व्हाट डू यू वांट? नहीं, और कुछ? और जो नहीं आता है वो बाहर से मंगवाऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ना तुम पकाओगी ना मैं पकाऊंगा, हम चलते हैं कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके कैंडल लाइट डिनर लेते हैं। साउंड्स क्वाइट रोमांटिक। ओके, तो मैं जाके तैयार हो जाता हूं। सुबह बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही। हाँ, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन इससे पहले तो हमें देख ले, फंस जाए यहाँ से निकल चलते। चलो पिंकी बेटा उठो, हाँ चलना अभी। आज जी का पता है कहाँ जा रहे हैं बेटा, आज हमें यहाँ से जाना है। आ जाओ, चलो चप्पल पहन लो जल्दी। आ जाओ बेटा। शक्ति हमें दे न दाता, इनका विश्वास कमजोर न होना। इन सब लोगों ने काले चश्मे क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि बेटा, ये लोग नेत्रहीन हैं। रजाक, लगता है नेत्रहीन के आश्रम में आ गए। हमें दे न दाता, पन का विश्वास कमजोर नाना। हुआ है मेरे मालिक। क्या बात है, क्यों हंस रहा है? मैं इसलिए हंस रहा विनीत कि समाज में नेत्रहीन लोगों के लिए भी जगह है और एक हम लोग। हाँ, हम भी इसी समाज में रहते हैं, पर हमारे साथ ऐसा क्यों? हमसे इतनी नफरत क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमें मौत वक्त से पहले आ जाती है और इन्हें इनके समय पर। रसा फूलना। हाँ, एक बात है। क्या? ये जगह हम लोगों के लिए बहुत महफूज रहेगी। हम यहाँ रह सकते हैं अपनी आजादी के साथ। हाँ, और हमारा खाने पीने का और सर छिपाने का इंतजाम भी हो जाएगा। हो सकता है। अच्छा, एक काम करते हैं। हाँ? तुम लोग यहाँ रहो, मैं जाके छड़ी और कला चश्मे का इंतजाम करता हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, हम यहाँ रहेंगे इनके बीच इन्हीं की तरह बनके, इन्हें नेत्रहीन बनके। ये तो बहुत अच्छा होगा, है ना? तुम लोग यहीं रहो, मैं भी इंतजाम करके आता हूँ। बेटा आओ, बेटा जल्दी आना।
कम इन। जी नमस्ते। यस, मेरा नाम विनीत है, ये रजाक हैं, आदाब, ये विमला है। नमस्ते। और ये बच्ची? ये पिंकी नाम है इनका। अच्छा अच्छा, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लोग काम की तलाश में आए हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई वैकेंसी तो है नहीं। देखिए सर, हम लोग बहुत मजबूर हैं, हालात के शिकार हैं, बस दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत मिल जाए आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके बदले हम आपका कोई भी काम करने को तैयार हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन आप लोग कर क्या सकते हैं? जी मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, जूनी पुरानी कोई भी मशीन हो पर ठीक कर सकता हूँ। और ये रजाक सर, मैं माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बच्चों को माउथ ऑर्गन बजाना सिखा दूंगा। और मैं सिलाई कढ़ाई करना जानती हूँ, मैं सिखा दूंगी। और ये बच्ची क्या करती है? स्टोरीज, कहानियाँ बहुत अच्छा सुनाती है। अच्छा, इसको अच्छा। स्टोरी सुनाने का बहुत शौक है। वैसे ये पार्शियली ब्लाइंड है, मोटे मोटे अक्षर पढ़ सकती है। देखिए वैसे तो हमें वॉलंटियर की जरूरत तो है, आप यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारी संस्था के पास फंड्स नहीं है। आप जो काम करेंगे उसके लिए आपको पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन मुझे हमारी कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी कोई बात नहीं, बहुत बेहतर, बहुत बहुत। मनोज, मनोज जी सर, इन दोनों को लड़कों के रूम में ले जाओ और इन लड़कियों को 30 नंबर में लड़की के रूम में ले जाओ, ठीक है? आइए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। नमस्ते। चलो करो ला 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 ला। ये देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मेरा हाथ पकड़ के रखो। हाँ शाबाश। ये मैंने सुई डाली है। हाँ अभी मैं हाथ से तुम्हें बताती हूँ। हाँ ये खींच लो, शाबाश, दूर खींचना। हाँ शाबाश। अब और वापस मैं करती हूँ, तुम नहीं करो अभी। एक राजा था और उसकी एक प्यारी सी एक रानी थी और उनके पास एक छोटी सी परी थी। और एक दिन अचानक वो राजा और रानी मर जाते हैं और वो परी बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसके पास और वो कितने परी और राजकुमार राजकुमारियों के साथ घुल मिल जाती है। विनीत, अब तक पिंकी आई नहीं, क्या बात है? पिंकी बेटा, पिंकी हमें क्यों बुलाया? हाँ, बैठो, बैठो। अरे विमला आंटी बैठो तो सही, बात में मुझे बुला दो। मजाक प्लीज, मजाक मत करो यार, बहुत सीरियस बात है। अच्छा बात क्या है बताओ तो सही। देखो
हमला। रजाक, बहुत दिनों से मुझे एक बात परेशान कर रही है यार। मैं सोच रहा था कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे, जो हमारा मकसद था कि अपनी बाकी की जिंदगी पिंकी खुशियों के लिए बिता देना, वो मकसद कहीं खो गया है। इससे बेटर हम हॉस्पिटल में थे विमला, एटलीस्ट वहाँ एक साथ रहते थे, साथ अपना दुख सुख बांटते थे, पिंकी के साथ खेलते थे। यहाँ तो हम मशीन की तरह रह रहे हैं। तुम कहाँ हो, रजा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, बस शाम को मिलते हैं थोड़े से वक्त के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं और निकल चले, एक ऐसी जगह जहाँ हम महफूज एक छत के नीचे रह सके, अपनी बाकी की जिंदगी पिंकी के लिए साथ गुजार सके। क्या राय है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों रजा, तेरी क्या राय है? हम सब अपनी अपनी चला रहे, पिंकी बेटे से तो पूछो जिसके खातिर हम ये सब कर रहे। हाँ पिंकी बेटे, बताओ कि तुम यहाँ खुश हो या कहीं और चलते हैं, जहाँ हम फिर से एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। नहीं विनीत अंकल, मुझे यही रहना है। मुझे यहाँ काफी दोस्त मिल चुके हैं, मुझे उनको कहानी सुनाने में बहुत मजा आता है। उनको कहानी सुनाते हो तो मुझे अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, मुझे यही रहना है। पर पिंकी बेटा, जब हम साथ में थे तो कितना खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे, कितना मजा आता था। यहाँ तो हम मिल भी नहीं पाते, विनीत अंकल कहीं, विमला जी कहीं, मैं कहीं, यहाँ तो खेलने का वक्त भी नहीं मिलता ना बेटा। मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी, और आप लोगों से खेलने का फायदा ही क्या, आप लोग तो मुझसे हार जाते हैं। ठीक है, जो पिंकी बेटी की इच्छा वही हमारी इच्छा। लो, हो गया फैसला, जिंदगी से भागने का नहीं बल्कि जिंदगी जीने का। चलो भैया, अब जब फैसला हो ही गया है तो अपने अपने चश्मे पहनो, छड़ी उठाओ और ड्यूटी पे लग जाओ। चलो शाम पार। चलो 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 बाय 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 बाय। चोट लगी है? हाँ, बस 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 रो मत, बस 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 बस, अरे 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 बस बस, नहीं नहीं रो। अरे मैडम, आप तो देख सकती हैं। हाँ मैं देख सकती हूँ, पर देखते हुए इस बच्चे को चोट कैसे लगने देती? लेकिन ये बात मुझे सर जी को बतानी पड़ेगी, ये तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पहन लो चप्पल पहन लो। विमला जी, आप देख सकती हैं, आपने मुझे धोखा दिया। सिर्फ विमला नहीं, नहीं सर, हम सब ने। बाबू, आप भी? जी हाँ सर, दरअसल हम लोग देख सकते हैं। देखिए, आपसे हमने झूठ कहा, इसके लिए आप हमें सजा दे सकते हैं, लेकिन सजा देने से पहले एक बार हमारी मजबूरी सुन लें आप प्लीज। देखिए, सजा की बात तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी क्या थी? हम चारों एक ही हॉस्पिटल में, एक ही वार्ड में थे, और हम चारों को एक ही रोग है। कौन सा? सर, हम लोगों को एड्स है। क्या, एड्स? तो फिर आप हॉस्पिटल से भागे क्यों? हॉस्पिटल के स्टाफ का व्यवहार इतना गलत था सर, कि आपको क्या बताएं। फिर जब ये मासूम बच्चे, इस बच्ची की खातिर भागना पड़ा सर। हम तीनों तो कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इस नन्ही सी जान की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं। इसे तो वहां कैद करके रख दिया गया था, और इस नन्ही सी जान के साथ इतना बुरा सलूक कि बस हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोगों ने फैसला कर लिया सर कि जब तक हम जिंदा हैं, इस मासूम को खुश रखना हमारी जिंदगी का मकसद है। इस नन्ही सी जान को न कभी रोने देंगे, न दुखी होने देंगे, ताकि कम से कम ये तो एक नॉर्मल बच्ची की जिंदगी जी सके। मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको ये एड्स हुआ कैसे? सर, एड्स होने के कारण तो हम सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारा सोशल बायकॉट हुआ उसमें कोई फर्क नहीं है। अब
इस मासूम बच्ची को लीजिए। पिंकी की माँ को एड्स था, तो ये बेचारी बर्थ से ही HIV पॉजिटिव है। अब आप बताइए इसमें इसका क्या कसूर है? और मुझे ये रोक मिला अपने पति से। विमला क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चे सो रहे हैं। अरे सो रहा है तो उठा दो ना। अरे कितनी देर तक, रात तक के अभी सोए हैं। और कहाँ गए थे तुम, हाँ इतनी रात को लौट रहे हो? वो अपना सुक्की है ना, बारिश बहुत हो रही थी उसके पास रुक गया। हाँ हाँ बारिश बहुत हो रही थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो तुम? मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ अरे मैं झूठ बोलता हूँ कि तू झूठ बोलती है? कभी पेट दर्द कमर दर्द? मैं झूठ बोलती हूँ? अरे तुम्हारे परिवार की अगर देखभाल कोई कर रही है तो मैं कर रही हूँ। तुम तो रातों को अय्याशियां करते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो। वो सुखिया ना, उसके साथ तुम सिर्फ शराब नहीं पीते हो, अय्याशी भी करते हो। इसीलिए तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम्हारे पति को एड्स है। एड्स? हाँ। तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? क्योंकि मैं बीमार हो गई थी और मुझे इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और खून चेक करवाया तो पता चला कि HIV पॉजिटिव है। अरे ये तो सोचो अब हमारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी जवान बहन है उसकी शादी कौन करेगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा तुम बताओ? उसकी चिंता तू मत कर, मैं करूंगा। चले